मुकेश जी, यहाँ पे राष्ट्रीय हरित अधिकरण पे जो आप पिटीशन डाल रखे हैं, जो हर साल ब्लड बकरे का जाती है यमुना में, उस पर इस समय क्या निर्णय हुआ? देखिए, हमने इनको कहा, अपनी याचिका में हमने लिखा था कि आपने 24 सितंबर 2015 को आदेश दिया था कि काटे गए पशुओं का, बकरा से एक दिन पहले फैसला दिया था कि काटे गए पशुओं का खून सीधे यमुना में नालियों के जरिए नहीं जाएगा। इस आदेश पर इन्होंने 12 दिसंबर 2017 को अपनी पूरी मोहर लगा दी कि और दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, नगर निगम इन सबको निर्देश दिया कि इस आदेश का पूर्ण पालन किया जाए। पिछले साल 20/8/18 को हमने फिर इनके शरण में गए कि आपके आदेश का पालन नहीं किया जा रहा, उसका पालन किया जाए। ये जितने भी जज आए हैं, ये हिंदू विरोधी जज बैठे हैं, हिंदुओं के खिलाफ जो फैसले हैं उन पर तुरंत फैसले देते हैं, तुरंत निर्णय देते हैं, तुरंत। आप हिंदू विरोधी कर रहे हैं, इससे नुकसान क्या है? जो ब्लड अगर जा रही है यमुना में, डायरेक्ट तो जा नहीं रही है, नुकसान क्या है? नुकसान पूरा नुकसान है। हम यमुना में आचमन करते हैं, यमुना का जल पीते हैं, हमारे पानी में आता है, हमारी धार्मिक भावनाओं का हरण हो रहा है, उसमें मुस्लिम लोग गायें भी काटते हैं, तो हमारा तो पूरा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। केवल अंग्रेजों ने जब हमको गाय की चर्बी कारतूस के लगाने को छूने कहा मुँह से, तो हमने अंग्रेजों के सिर काट दिए। हम तो मतलब हिंदू लोग तो इस बात को कबूल कर ही नहीं सकते कि हमें गाय का मांस खिलाया जाए या गाय का रक्त खिलाया जाए। ये हमारी यमुना में गाय का रक्त, पशुओं का रक्त जाने दे रहे हैं, और उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा, किंतु उस पर अनुपालन नहीं किया जा रहा। आज हम एक याचिका अनुपालन के लिए एक याचिका लेकर गए 31/2019, और इसमें हमने इनसे अनुरोध किया कि अपने आदेश का पालन कराइए जो आपने आदेश दिया है। और हमने उनसे ये भी कहा, जो आपके आदेश का पालन नहीं करते, हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत उसके अनुच्छेद 26 और 28 हैं, 26 में जो व्यक्ति इसका आदेश का पालन नहीं कर रहा उनको 3 साल तक की सजा है और 1-10 करोड़ तक का जुर्माना है। 29 के लिए जो आप बहस कर रहे थे लागू करने के लिए, उसमें क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? फिर ये कोई सुन बता तो नहीं, ये कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इन्होंने आज भी हमारी बात सुनी, उसके बाद भाग गए ये लोग। जब हमने कहा फैसला सुनाओ कि क्या है, तारीख लगा रहे हो, डेट दे रहे हो क्या, बोले कि बैठो आप। उसका हमने फिर दोबारा कहा ये मतलब ये भागने माहिर है, ये कोर्ट छोड़ के भाग गए। उसके बाद खड़े नहीं, वो तो अपने 1 बजे तक कोर्ट थी, 16 बजे भाग गए कोर्ट। वो अपने डेस्क से जो इंग्लिश में ही बात करेंगे वो तो बात है, वो आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो कैसे वो जवाब देंगे? वो बात कुछ थी नहीं, हिंदी वाली कोई बात नहीं थी। हमारे हिंदी में याचिका एनजीटी का नियम है, जिसके नियम के तहत एनजीटी को हिंदी में याचिका स्वीकार करनी है, हिंदी में फैसले भी देने हैं, और जो भारत राष्ट्रपति जी के 24/11/98 के आदेश है, उन आदेशों के तहत एनजीटी को मतलब जो अधिकरण है इनका 100% काम हिंदी में होने के आदेश हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने, क्योंकि अंग्रेजों के औलाद हैं, तो ये जज जो है सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं। 12 अगस्त को बकरा ईद है, आज 9 अगस्त है, इतने दिन आप लेट क्यों हैं? हम तो लगातार इसके पहले क्यों नहीं गए? हम तो लगातार पिछले 5-4 साल से हम लगातार कह रहे हैं इनको, ये हिंदुओं के खिलाफ जो भी फैसले हैं लगातार कर रहे हैं आप, हमेशा 4 दिन पहले क्यों आते हैं? 4 दिन पहले पहले से क्यों नहीं इसके पिटीशन देखते हैं? 30 तारीख को जो यमुना निगरानी समिति इसके बाद गए, उसके जबरदस्ती से फैसला निकलवाया, 5 तारीख को हमने फैसला दिया, 6 तारीख को हम, 5 तारीख को हम फैसला देने पहले ही इनके पास आ गए थे। ये तो पूरा का पूरा गृह बैठा है देशद्रोही होगा। एक CIA का एजेंट है मनोज मिश्रा, यहाँ याचिका लगाता है, वो कहता है यमुना में फूल मूर्ति पर रोक लगवाता है, आपके जो हमारे किसान भाई यमुना के किनारे सब्जी उगाते हैं उन पर रोक लगवाता है वो, ये सब्जी प्रदूषित सब्जी पैदा होगी इससे। तो आपका कहना है कि उनका अरे जबकि इनका जबका हरित अधिकरण के आदेश, हाँ आपने देखा होगा दिल्ली के यमुना किनारे बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं कि यमुना में फूल मूर्ति विसर्जन दंडनीय अपराध है, जबकि हरित अधिकरण और हरित अधिकरण का नाम दिया जा रहा है, हरित अधिकरण का जबकि इस तरह का आदेश नहीं है कोई भी। मैं आदेश उसका देखिए, ये इन्होंने बोर्ड लगवाए हैं यमुना किनारे, बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए हैं इन्होंने कि यमुना में फूल मूर्ति विसर्जन मनाइए, इस तरह के ये कार्यवाही कर रहे हैं। जबकि हरित अधिकरण का जो आदेश है वो आदेश कहता है कि ये देखिए, वो आदेश कहता है कि यमुना में फूल मूर्ति विसर्जन के स्पेशल घाटों पर होगा, घाटों के अतिरिक्त नहीं होगा। आज तक इन्होंने एक घाट नहीं बनवाया हमारे लिए। ये तो जो जज है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के, ये CIA के एजेंट है, नक्सलवादी है, देशद्रोही है। इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? बता तो रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं ये CIA के एजेंट है, CIA में फंडिंग होती है,
और यदि CIA की बात कोई नहीं मानता तो उसके ऊपर बलात्कार का, CIA के इंदिरा जयसिंह जैसे वकील बैठी हैं वो उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाती हैं, उनको बदनाम करती है। जैसे रंजन गोगोई को अभी की बात न मानने के खिलाफ किया गया, स्वतंत्र कुमार को फांसा गया था, तो ये तो पूरा देशद्रोही गैंग यहाँ पर बैठा हुआ है। थैंक यू। ये मैं बिग बॉस का सुपर हीरो स्वामी ओम जी, उसके पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष, मेरे साथ में धारासना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितेश जैन जी। आज हम लोग NGP के हेडक्वार्टर में इसलिए आए हुए हैं क्योंकि हमने 2015 में आदेश करवा दिया था, बकरा ईद पर हमने बैन लगवाया था, बकरे और गाय के काटने पर हमने बैन लगाया था, उसका खून यमुना में ना जाए उसके ऊपर में हमने ऑर्डर कराया था। लेकिन ये इतने निर्लज्ज बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये जज लोग जज के नाम पे कलंक CIA एजेंट जी, इनको अपने ही इज्जत की परवाह नहीं है, इनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही हैं, इनके आदेश की धज्जियाँ उड़ रही हैं, उसके बावजूद भी इनको शर्म नहीं आती। हमने पहले भी NGP को बंद करवा दिया था नरेंद्र मोदी को कह के, लेकिन यहाँ के जो करप्ट इनके गैंग के वकील लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाकर के फिर से इसको चालू करवा दिया। इसको तो NGP को तो हमेशा हमेशा के लिए फिर से मैं बंद करवाऊँगा, ये बहाने बना करके। इस समय आपकी सरकार है, आप इसके लिए किससे किससे मिले हैं? मैं राष्ट्रपति से भी मिला हूँ, प्रधानमंत्री से भी मिला हूँ। क्या आश्वासन मिला उससे? उन्होंने तो इसको बंद ही कर दिया था। फिर? लेकिन फिर ये इनके जो चमचे हैं वकील लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट से इसको दोबारा चालू कराने का ऑर्डर करवा लिया। अब मैं फिर राष्ट्रपति से मिलूंगा और प्रधानमंत्री से मिलूंगा, इसके NGP को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवाऊंगा, क्योंकि और आदर्श कुमार गोयल को तो हम लोग हटवा रहे थे, वो जो SC ST एक्ट में जो इसने गलत फैसला दिया हुआ था। ये आदर्श कुमार गोयल नाम का जो यहाँ जज का संविधान को मांगता, SC ST एक्ट जो था, अनुसूचित जाति अधिनियम था, उसके खिलाफ इसने फैसला दिया था, जबकि इसका काम है, ये शपथ लिया है इन्होंने कि संविधान पर कानून और नियमों का पालन करेंगे, किंतु ये आदर्श कुमार गोयल नाम का जो जज है ये CIA के का एजेंट है पूरा, और संविधान भारतीय संविधान को नहीं मानता। ऐसे भारतीय संविधान को ना मानने वाले जज के खिलाफ मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ इसको हटाया जाए पूरे, प्रकाश किया जाए इसको।